Hi guys, a very good evening to you all and welcome to the series of लीगल अवेयरनेस। ठीक है, जहां पर अपन बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी न्यूज को एनालाइज करते हैं एंड उससे हम लीगली कैसे अवेयर हो सकते हैं उस बारे में डिस्कशन करते हैं। राइट, सो टुडेज टॉपिक इज राहुल गांधी डेफेमेशन केस। डेफिनेटली आपने ये सुना होगा, आज ही इस पे वर्डिक्ट भी आया है, राइट, सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो अब डेफेमेशन केस जो हुआ है उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे कि क्या कहानी है, राइट, कब का इंसिडेंट है, क्या सजा हुई है, क्या पनिशमेंट हुई है, डेफेमेशन क्या होता है, कितनी पनिशमेंट है एंड ऑल्सो अब इस केस में आगे क्या होगा, ठीक है, या क्या हो सकता है, उस पर भी अपन एक बहुत छोटा डिस्कशन इस सेशन में करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग टू विद द सेशन, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे से तुरंत सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताना। चलो सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ। तो अब हुआ क्या है एक्चुअली, राइट, एक स्टेटमेंट था, एक रैली हुई थी करोल में राहुल गांधी की ऑन 13th of April 2019, भाई 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसके लिए रैलीज हो रही थी, उसके लिए प्रचार हो रहा था एंड उस टाइम पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। ठीक है, ये अब स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट वाज अबाउट मोदी सरनेम। ठीक है, तो वो बेसिकली बता रहे थे यहां पर कि किस तरीके से एक सरनेम है मोदी, जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारे चोर हैं। ठीक है, तो उन्होंने रेफर किया था यहां पर ललित मोदी को, नीरव मोदी को एंड उन्होंने इसी के साथ रेफर कर दिया हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अप्रोर हुआ था, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए गए थे कि उन्होंने इस तरीके से रिलेट किया, प्लस यहां पर पूरे के पूरा सरनेम जो रिमार्क था, ठीक है, मोदी सरनेम रिमार्क जो था वो लाइमलाइट में आ गया था कि इस तरीके से बात की जा रही है अबाउट द करंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। अब हुआ ये है कि उस केस पर फाइनली जजमेंट आ गया, वर्डिक्ट आ गया, राइट, 2 साल की पनिशमेंट हुई है एंड उनको फाइन भी इम्पोज किया गया उनके ऊपर। सो 15,000 का फाइन है एंड जो पनिशमेंट है वो 2 इयर्स की है, तो हाईएस्ट पनिशमेंट भी अंडर क्रिमिनल डेफेमेशन इज 2 इयर्स, राइट। तो अभी करंट की सिचुएशन ये है कि जो 2019 में स्टेटमेंट दिया गया था, राइट, मोदी सरनेम पे, उसके बेसिस पर क्रिमिनल डेफेमेशन का केस हुआ था एंड अब फाइनली उस पर वर्डिक्ट आया है, 2 साल की पनिशमेंट हुई है एंड 15,000 का फाइन इम्पोज किया गया है, राइट। अब डेफिमेशन होता क्या है, ठीक है, तो ये सेक्शन 499 की डेफिनेशन है या सेक्शन 499 के वर्ड्स है जो लिखे गए हैं, राइट, हुएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडेड टू हार्म और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव। अब यहां पर पूरा पॉइंट ये है कि नॉलेज थी, हाँ ऐसा बोला जा सकता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिकली एक सरनेम मेंशन किया, उनको पता था वो क्या बोल रहे हैं, राइट, एंड वो किसको रेफर कर रहे हैं ये भी पता था, तो क्या ये इंटेंशनली बोला गया है, हाँ। अब क्वेश्चन यहां पर ये था सबसे बड़ा, एंड वन मोर थिंग, राहुल गांधी ने डेफिनेटली एडमिट भी किया कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया है बिकॉज ये रैली में था तो इसका वीडियो बना था, तो ये ऑब्वियस था कि हाँ ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और उन्होंने एडमिट भी किया ये चीज। क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि क्या उनका इंटेंशन था कि नहीं, क्यों, क्योंकि क्रिमिनल डेफेमेशन में, विच इज डिफरेंट फ्रॉम डेफेमेशन विच यू माइट हैव रेड इन टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, तो उसमें टॉर्ट्स में जो डेफेमेशन है और यहाँ पे जो वो काफी हद तक इंटेंशन का मैटर है, ठीक है, इंटेंशन का खेल है। तो यहाँ पर राहुल गांधी का ये कहना था कि उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट बोले, ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं था, बट कोर्ट ने ऐसा पाया, कोर्ट को ऐसा समझ में आया कि जब वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ठीक है, वो जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं उसमें क्लियरली वो एक पर्टिकुलर सरनेम को टारगेट कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली बहुत बहुत सारे लोगों का होगा, विच इज डेफेमेटरी इन नेचर। ठीक है, प्लस द मेन क्वेश्चन ये वॉज रिगार्डिंग नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, सेकेंड सेक्शन 500 जो है इट टेल्स यू अबाउट द पनिशमेंट ऑफ डेफेमेशन, ठीक है, क्रिमिनल डेफेमेशन, राइट, तो यहां पर दिया सिंपल इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट नहीं होती है इसमें, सिंपल इंप्रिजनमेंट होती है, राइट, एंड द टाइम पीरियड इज इट मे एक्सटेंड टू 2 इयर्स, तो राहुल गांधी को जो मैक्सिमम सजा है 2 साल की वो दी गई है एंड इट कैन बी गिवन अलोंग विद द फाइन एज वेल। ठीक है,
तो ये बोला गया कि या तो 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों। तो राहुल गांधी के केस में उनको पनिशमेंट भी दी गई है विच इज 2 ईयर्स, एंड उनपे फाइन भी इम्पोज किया गया है दैट इज ऑफ 15,000 रुपीज। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ के अब वो कर क्या सकते हैं। डेफिनेटली उनको 30 डेज का टाइम दिया गया है, राइट, 30 डेज का टाइम पीरियड है उनके पास जिसमें वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो केस है, जो जजमेंट आया है या जो वर्डिक्ट आया है, वो आया है सीजेएम कोर्ट से। सीजेएम कोर्ट इज नोन एज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में अगर बताया जाए तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो पावर होती है, ही कैन पनिश अप टू 7 ईयर्स। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा केस है जहां पे पनिशमेंट कैन बी गिवन अप टू 7 ईयर्स, वो केस सुन सकते हैं एंड पनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सीजेएम कोर्ट ने ये केस सुना था और वर्डिक्ट सीजेएम कोर्ट से आया है, द नेक्स्ट कोर्ट या इसका हायर कोर्ट जहां पर अपील की जा सकती है, दैट इज ऑफ सेशंस कोर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपील होगी, मतलब जो अपील की जाएगी या की जा सकती है, दैट विल बी टू द सेशंस कोर्ट। ये दिया गया है हमें सेक्शन 374 ऑफ सीआरपीसी में, राइट, विच टॉक्स अबाउट अपील फ्रॉम कन्विक्शन, कि अगर एक कोर्ट से तुम्हें कन्विक्ट किया गया तो तुम कहां पर जाओगे अपील करने, राइट। तो उसमें दिया कि अगर सीजेएम कोर्ट है देन यू कैन गो टू द सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद फिर जाओगे हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फाइनल है वो, राइट। तो ये चीज है, तो अब अपील की जा सकती है, उसके 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया उन्हें। अब और क्या किया जा सकता है, ये तो अपील की बात हो गई, इसके क्या क्या रेपरकशंस हैं उसको समझते हैं। तो उनका अभी जो सेंटेंस है, एक चीज समझने, यहां पर एक टर्म सुना होगा विच इज नोन एज सेंटेंस, ठीक है, एंड एक होता है कन्विक्शन, राइट, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो गिल्टी है कि नहीं, क्या वो इंसान जिसके अगेंस्ट केस हुआ है, वेदर ही इज गिल्टी और नॉट, सबसे पहले ये डिसाइड किया था। अब गिल्टी है नहीं है, इससे हम कन्विक्शन वाले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, कि अगर गिल्टी है तो कन्विक्शन, नहीं है तो एक्विटल। ठीक है, तो अब एक हो गया कन्विक्शन वाला पॉइंट, तो कन्विक किया गया है, हाँ। अब इसके बाद सेंटेंस पे बात होती है, ठीक है, सेंटेंसिंग पॉलिसी भी जिसे कहते हैं। तो यहां पर इवन जो अक्यूज है, जिनको आप ऑलमोस्ट पनिश ही किया जाता है, कन्विक्टेड पर्सन बोल सकते हो, उससे बात भी की जाती है, उससे पूछा भी जाता है रिगार्डिंग द सेंटेंसिंग। तो सेंटेंसिंग अलग चीज हो गई, जो आपका सेंटेंस होता है, जो आपका इम्प्रिजमेंट होता है। सो इन दिस केस 2 साल का इम्प्रिजमेंट भी है, राइट, सिंपल इम्प्रिजमेंट जो हमने देखा। अब इसके रेपरकशंस क्या है, आपको पता होगा राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी है वो। अब उनके कन्विक्शन से क्या इसके रेपरकशंस हो सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है उसमें दिया गया कि इफ अ पर्सन या इफ अ एमपी और एमएलए ही इज कन्विक्टेड, एक बार कन्विक्ट हो गया ना उसके बाद वो डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको अपनी सदस्यता जिसे बोलते हैं या जो कैंडिडेचर है उनका, वो चला जाता है। ठीक है, उनको मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है ऑफ द पार्लियामेंट, या अगर वो एमएलए है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, तो उनको डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं एक तरीके से, और उनको मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है। प्लस इसी के साथ एक और चीज ये है कि उनका जो कन्विक्शन है, लेट से अभी के सिनेरियो में अपन बात करें तो कन्विक्शन इज ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, तो अगर अभी मान लेते हैं कि बाद में कोई चेंज नहीं आया, राइट, तो 2 साल का कन्विक्शन ये, उसके बाद जैसे ही 2 साल खत्म होंगे ना, जब कन्विक्शन खत्म होगा उसके बाद भी 6 साल तक ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते कन्विक्शन के 6 साल बाद तक। ठीक है, कन्विक्शन खत्म हो गया उसके बाद के 6 साल तक भी वो यहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट यहां से लगभग 8-1 साल का, ठीक है, तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, विच विल डेफिनेटली हैव रेपरकशंस इन हिज पॉलिटिकल करियर। ठीक है, अब किया क्या जा सकता है, सबसे पहली चीज यहां पर उनको बेल दी गई है। ठीक है, उनको बेल दी गई है, 15,000 का बॉन्ड भरवाया है उनसे और बेल दे दी गई है। उनका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया, तो अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया, एंड उनको 30 डेज का टाइम पीरियड दिया है कि आप इतने टाइम पीरियड के अंदर अपील कर सकते हैं। तो अब वो डेफिनेटली हायर कोर्ट में अपील करेंगे। पॉइंट यहां पर ये है कि अगर अपील करने के टाइम दोनों चीज पे अपील होगी, एक होगा सेंटेंस पे, होगा कन्विक्शन पे, तो दोनों चीज पे अपील की जाएगी कि भाई कन्विक्शन
भी हटाओ और कन्विक्शन हट गया तो सेंटेंस हट जाएगा। एक और चीज ये हो सकती है हायर कोर्ट में, जहां अपेलेट कोर्ट है राइट, जहां पर अपील की जाएगी, कि अगर मान लो कन्विक्शन रहा, कोर्ट ने बोला कि कन्विक्ट तो आप हो बट सजा कम कर दी, सो लेट से अभी जो 2 साल है वो यहां पर कम करके 1 साल कर दी, तब क्या हो गया सर? क्या तब ये अभी भी लगा रहेगा? ठीक है, जो अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात की, यस, अगर सजा 2 साल से 1 साल भी हो गई या कितनी ही कम हो जाए, फिर भी यहां पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, सदस्यता छोड़नी पड़ेगी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड उसके 6 साल बाद तक भी हो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, राइट। अब इससे बचने का क्या तरीका है कि हमने अपील की एंड वहां पर कोर्ट ने, जो भी हमारा एपिलेट कोर्ट है, उसने ओवरटर्न कर दिया डिसीजन, राइट। तो अभी जो कन्विक्शन का है वो एक्विटल में आ गया, अगर वो कन्विक्शन का एक्विटल में ओवरटर्न हो जाएगा, देन इन दैट केस, क्योंकि कोई सजा नहीं है, क्योंकि कोई कन्विक्शन नहीं रहा, इसलिए यहां पर कोई मेंबरशिप नहीं जाने वाली। तो ये जो पॉइंट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर वो मेंबरशिप उनको छोड़नी पड़ेगी एंड वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, वो पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। बट आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जब अपेलेट कोर्ट में गया हो तो वहां पर जो कन्विक्शन है उसको ओवरटर्न कर दिया गया और सेंटेंस भी चला गया, ठीक है, वो सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन भी हटा दिया था और कन्विक्शन के साथ सेंटेंस भी अपने आप ही चला जाता है, राइट। तो इसका ओवरटर्न होना थोड़ा सा मुश्किल है, अब बाकी अपन को आगे पता चलेगा कि क्या होता है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस बनते हैं, बट हाँ अभी के लिए उनके लिए सबसे जरूरी होगा कि सिर्फ सेंटेंस ही नहीं कन्विक्शन भी जाए, ठीक है, मतलब सेंटेंस कम ही ना हो। सेंटेंस कम होने से कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा उनके पॉलिटिकल करियर को, पॉलिटिकल करियर अगर जैसे अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहे, उसके लिए जरूरी होगा कि सेंटेंस तो खत्म ही हो जाए, कन्विक्शन भी खत्म हो जाए, सेंटेंस कम होने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। सो दैट विल बी इट फॉर दिस सेशन, आई होप कुछ समझ में आया होगा एंड कोई कुछ नॉलेज बढ़ी होगी, ठीक है। इसके लिए क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, कन्विक्शन एंड सेंटेंस, ये जो दो टर्म्स हमने देखे। इसके अलावा सेक्शन 374 जो है सीआरपीसी का, उसके बारे में आप रीड कर सकते हो एंड आप यहाँ पर रीड कर सकते हो क्रिमिनल डेफिमेशन के बारे में, तो सेक्शन 499, 500 ऑफ आईपीसी, ये सब आपके काम के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।